拜拜。नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। हम एक बार फिर आ गए हैं आप तक मौसम का हाल लेकर। एमपी में मॉनसून सीजन के आखिरी दौर में तेज बारिश ने फिर से प्रदेश को भिगोकर रख दिया है। एमपी में बारिश का सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव होते हुए दिखा है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश ही देखने को मिल रही है। बता दें कि रविवार के दिन भी प्रदेश के कई जिलों में बादल जमकर बरसे। ग्वालियर, पन्ना, रतलाम समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते कई इलाकों में नदियां उफान पर आ गई, जिसके बाद कई जगहों पर डैम के गेट खोले गए। मंदसौर में भी गांधी सागर डैम के 3 गेट खोले गए। वहीं शिवपुरी में भी बारिश आफत की बारिश बनकर बरसी। शिवपुरी में लगातार बारिश के चलते उड़द और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने जो फसलें काट कर खेतों में रखी हुई थी वो पानी में डूब गई। वहीं शिवपुरी के अटल सागर डैम के भी 2 गेट खोल दिए गए थे। डैम से लगभग 34.45 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल के कलियासोत और भदभदा डैम के गेट भी खोले गए थे। इस सीजन में प्रदेश के करीब 250 में से 200 डैम फुल हो चुके हैं। रविवार के बाद सोमवार के लिए भी अब मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, बैतूल, मंडला, दमोह, छतरपुर, सतना, शहडोल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार विंध्य, महाकौशल और मालवांचल के जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं ग्वालियर, चंबल और भोपाल सहित मध्य के जिलों में मौसम सामान्य रह सकता है। बता दें कि बारिश का एक्टिव सिस्टम अब एमपी से दूर चला गया है, जिसके कारण ही कई जिलों में बारिश का दौर बना हुआ था। अब मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौजूदा सिस्टम कमजोर हो जाएगा और बारिश का दौर थमने के आसार हैं। बता दें कि इस साल प्रदेश में मानसूनी बारिश का कोटा फुल हो चुका है, लेकिन आखिरी दौर की इस बरसात ने प्रदेश के लोगों, खासकर के किसानों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।